हेलो एवरीवन, ग्लोबल एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंडिकेटर्स ऑफ सोशल डेवलपमेंट। कोई भी कंट्री, कोई भी स्टेट सोशली डेवलप है या नहीं, वो हमें कैसे पता चलेगा, हमारे पास कौन से मीटर्स हैं जिससे हमें पता चले कि कोई भी कंट्री जो है सोशली डेवलप है या नहीं, तो वो हम जो है यही टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि उसके लिए जो है कुछ इंडिकेटर्स हैं, कुछ मीटर हैं जिससे हमें पता चलेगा कि कोई भी कंट्री सोशली डेवलप है या नहीं। तो सबसे जो मेजर इंडिकेटर्स हैं जिससे कि हमें पता चले कि कोई भी कंट्री सोशली डेवलप है या नहीं, वो कौन से हैं? एक तो उस कंट्री के सोशल एस्पेक्ट्स, कल्चरल एस्पेक्ट्स और उसके पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स। तो ये जो है तीन मेन इंडिकेटर्स हैं सोशल डेवलपमेंट के। तो हम इनको जो है बारी बारी डिस्कस करेंगे कि कोई भी कंट्री जो है अगर वो सोशली डेवलप हो रही है या सोशली डेवलप्ड है, तो उसके अंदर जो है उस कंट्री में जो है सोशल एस्पेक्ट्स उस कंट्री के कैसे हैं, कल्चरल एस्पेक्ट्स कैसे हैं और पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स कैसे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि सोशल एस्पेक्ट्स जो है किसी भी कंट्री के, डेवलपिंग कंट्री के या डेवलपिंग स्टेट के सोशल एस्पेक्ट्स जो है वो क्या होते हैं, वो कैसे होते हैं। तो ये जो सोशली डेवलप्ड जो कंट्रीज़ होती हैं, इसमें ये ज़्यादातर जो है इट इज़ मोर मॉडर्न और ट्रेडिशनल जो है वो लेस होती है। एक तो ये जो है एक मॉडर्न कंट्री होती है, यानी ये ज़्यादातर जो है मॉडर्न होती है, और इट इज़ मोर डेमोक्रेटिक और लेस अथॉरिटेरियन। देन यहाँ जो है जो किसी भी कंट्री का जो है इसका जो सोशल स्टेटस होता है, वो यहाँ की बर्थ्स को देखकर नहीं देखा जाता है कि इस कंट्री में जो है ज़्यादा बर्थ हैं या कम बर्थ हैं, ऐसा नहीं है। इस एतबार से जो है उसका सोशल स्टेटस नहीं देखा जाता है जैसे कि कास्ट बेस्ड सोसाइटीज़ में होता है, बल्कि यहाँ देखा जाता है कि सोशल डिस्क्रिमिनेशन, अच्छा तो इनमें जो है बर्थ के अतबार, बल्कि यहाँ जो है देखा जाता है कि इन कंट्रीज़ में जो है अचीवमेंट्स कितनी हो रही हैं, कितने अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं, कोई भी किसी भी फैमिली में जो है या किसी भी जगह किसी भी स्टेट के अंदर जो है वहाँ कितना काम हो रहा है, अच्छे काम हो रहे हैं, गलत काम हो रहे हैं या किस किस्म के काम हो रहे हैं, तो उस एतबार से जो है वहाँ का सोशल स्टेटस देखा जाता है, ना कि वहाँ का वहाँ की जो है रेट ऑफ बर्थ वगैरह नहीं देखा जाता है। और ऐसी सोसाइटी में जो है जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन वगैरह है वो अब बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। ऐसी सोसाइटी में जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं इनमें जो है जो जैसे कि पहले जो है सोशल डिस्क्रिमिनेशन होती थी ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, सेक्स, तो ये सब चीज़ें जो है ख़त्म हो गई हैं। तो ये जो है कुछ सोशल एस्पेक्ट्स हैं। देन जो स्ट्रक्चर ऑफ जो फैमिली है वो बिल्कुल छोटा रहता है ऐसी कंट्रीज़ में, यानी जॉइंट जो पहले ट्रेडिशनल जॉइंट फैमिलीज जैसे कि हुआ करती थी, बड़ी बड़ी फैमिलीज हुआ करती थी, तो आज की जो सोसाइटी है यहाँ जो है बिल्कुल छोटी सोसाइटीज़ होती हैं। ये जो है बिल्कुल स्मॉल हाउस होल्ड्स, न्यूक्लियर टाइप एंड डेमोक्रेटिक इन नेचर, जैसे कि हम अक्सर देखते हैं अर्बन फैमिलीज़ में जो है छोटी छोटी फैमिलीज़ होती हैं। तो ये भी एक सोशल एस्पेक्ट है इसका। देन साइज़ ऑफ किनशिप जो है काफ़ी लार्ज होता है, जो भी रिश्तेदारियां होती हैं ऐसी सोसाइटीज़ में काफ़ी बड़ी बड़ी रिश्तेदारियां होती हैं। और जो यहाँ इन इस टाइप की जो सोसाइटीज़ होती हैं इनमें ये जो है ज़्यादा वाइफ की फैमिली से रिलेटेड, यानी जो वाइफ की जो फैमिली है उन वो रिश्तेदारियाँ जो है ज़्यादा डोमिनेट करती हैं, बजाय कि हस्बैंड्स की जो रिलेशंस वगैरह हैं वो इतने ज़्यादा डोमिनेट नहीं करते हैं, बल्कि जो वाइफ होते हैं, जो उसके रिश्तेदार वगैरह होते हैं, वो ज़्यादातर जो है ऐसी सोसाइटी में जो वो डोमिनेट करती हैं। देन रिलीजियस बेस्ड जो है डिवीजन सोसाइटी में नहीं होती है, सोसाइटी जो है ज़्यादा अर्बनाइज्ड होती है, और यहाँ जो है जनरल वे ऑफ लाइफ ऑफ पीपल वो जो है ज़्यादातर अर्बन जो है लिविंग होती है उनकी, और लोग जो है माइग्रेशंस जो होते हैं वो ज़्यादातर रूरल टू अर्बन ही होती हैं या अर्बन टू अर्बन होती हैं ऐसी इन डेवलपिंग सोसाइटीज़ में। देन सोशल एंड ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी इन सोसाइटीज़ अनरिस्ट्रिक्टेड एंड फास्ट, लोग जो है बहुत ज़्यादा जो है काम के सिलसिले में बहुत ज़्यादा चलते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह। और जो ऐसी सोसाइटीज़ हैं
इनमें जो है ट्रेडिशन इंडियन कास्ट सिस्टम हैड रिलेटिवली रिस्ट्रिक्टेड सोशल एंड ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी. द मॉडर्न इंडियन सोसाइटी इज नाउ लीस्ट कास्ट वोंड इन इट्स सोशल एंड कन्यूबियल इंट्रैक्शंस एंड ऑक्यूपेशनल चॉइस. हायर इंडियन सोसाइटी इज स्टिल लार्जली एंडोगेमस. तो इस किस्म की जो सोसाइटीज़ हैं ये जो है इनकी जो रिश्तेदारियाँ वगैरह होती हैं वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहती हैं. ये जो है इनकी जो जो भी नई रिश्तेदारियाँ बनती हैं वो अपने रिलेशंस से बाहर करते हैं. जैसे लेकिन इंडिया में जो है अभी भी ये बहुत कम रवाज है. इंडिया में जो है अभी एंडोगेमस टाइप्स ऑफ मैरिज ही होती हैं, यानी अपनी फैमिली के अंदर या अपने भाईचारे के अंदर अपने एरिया के अंदर जो है अभी यहाँ रिश्तेदारियाँ होती हैं. लेकिन बाहर जो जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ ये रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म हो चुकी हैं. वो जो है बिल्कुल जो है वो कहीं भी उनको जहाँ मर्जी आए वहाँ जो है नई रिश्तेदारियाँ वगैरह जोड़ देते हैं. तो ये भी जो है एक इसका इसकी करेक्टरिस्टिक्स है. देन ये जो है ये जो सोसाइटीज़ हैं इसमें गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल एजेंसी जो हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हैं फैमिली का. जो भी कुछ काम हो फैमिलीज़ के अंदर जितने भी काम वगैरह होते हैं छोटे मोटे, तो इन काम को करने के लिए जो बहुत सी गवर्नमेंटल और नॉन गवर्नमेंटल एजेंसी जो है इस वक्त काम कर रही हैं. जैसे मान लो ओल्ड एज होम्स बन गए हैं जहाँ बूढ़ों को जो है रखा जाता है. होम डिलीवरी अगर किसी को कोई कमोडिटीज़ वगैरह कोई, तो वो जो है होम डिलीवरीज की स्कीम्स भी है आज बिल्कुल आम है. तो ये इस किस्म की जो है सोसाइटी में गवर्नमेंटल और नॉन गवर्नमेंटल एजेंसी जो है बहुत एक्टिव होती हैं. द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज़ लोअर. तो पॉपुलेशन ग्रोथ जो है इस किस्म की जो सोसाइटी हैं वो इनमें बिल्कुल कम होता है. रेट ऑफ मॉर्टेलिटी इंक्लूडिंग मैटरनल डेथ्स और इन्फेंट मॉर्टेलिटी बिल्कुल कम है. यानी जो मरने की संख्या या जो मैटरनल डेथ हैं, यानी ये जो प्रेगनेंसी के दौरान या बच्चा पैदा होते वक्त जो ये औरतें वगैरह जो लेडीज़ वगैरह जिनकी डेथ होती है वो भी जो है इसको जो है मैटरनल डेथ्स बोलते हैं, तो ये भी कम हो जाती हैं. इन्फेंट मॉर्टेलिटी भी कम होता है इन सोसाइटीज़ में. यानी बच्चा जो है पैदा होते वक्त जो है बिल्कुल इनकी जो डेथ रेट है वो भी कम होती है इन सोसाइटीज़ में, क्योंकि ये जो है डेवलप हो रही है. लिटरेसी रेट बोथ मेल एंड फीमेल जो है काफ़ी हाई होता है. हेल्थ फैसिलिटीज़ जो है काफ़ी अच्छी होती हैं, बहुत अच्छी अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ भी इनमें रहती हैं. तो ये कुछ सोशल आस्पेक्ट्स थे. अब हम कल्चरल आस्पेक्ट देखते हैं. ये जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं डेवलपिंग स्टेट्स हैं इनको अगर चेक करना हो तो इनमें जो है कल्चरल आस्पेक्ट्स कैसे होते हैं. तो कल्चरल आस्पेक्ट्स में क्या होता है कि यहाँ जो है जो लोग होते हैं ज़्यादा इंडिविजुअलिस्टिक होते हैं, मटेरियलिस्टिक होते हैं, यानी जिसको हम ये कह सकते हैं कि बिल्कुल खुद अपने बारे में ज़्यादा सोचना, दूसरों के बारे में कम सोचना या खुदगर्जी वगैरह. और ज़्यादातर जो है लोग का जो गोल होता है वो ज़्यादा पैसे की तरफ होता है. तो हमदर्दियाँ वगैरह बहुत कम रहती हैं. इनका जो मकसद होता है ज़्यादा पैसा किस तरीके से ज़्यादा आए. उसके बाद जो है सेंटिमेंट्स वगैरह जो हैं बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं. हमदर्दियाँ वगैरह जैसे कि पहले हम देखते थे, अभी भी बहुत सारे गाँव में ये सब चीज़ें होती हैं कि लोगों के अंदर जो है एक दूसरे के साथ काफ़ी हमदर्दियाँ वगैरह होती हैं. तो वो चीज़ जो है इन मॉडर्न सोसाइटीज़ में जो है बिल्कुल कम हो गया है. उसके बाद जो है कास्टिज़म, रेसिज़म, फैमिलीज़ फंडामेंटलिज़म, ये सब चीज़ें जो है बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं. रेसिज़म, फैमिलियलिज़म, फंडामेंटलिज़म, यानी कट्टरपंथवाद वगैरह जिसको हम कहते हैं, ये सब चीज़ें बिल्कुल कम हो गई हैं. अब जो है लोग ज़्यादा सेकुलर और ह्यूमनिस्ट जो है वैल्यूज़ उनके अंदर आ चुकी हैं. सेकुलरिज्म, सेकुलर लोग हो गए हैं और इंसानियत जो है काफ़ी बढ़ रही है. देन नेशनलिज्म जो है लोगों के अंदर काफ़ी बढ़ रहा है. अपने मुल्क के लिए जो है मोहब्बत वो लोगों के अंदर जो है डेवलप होती है इन कंट्रीज़ में. उसके बाद जो है ह्यूमन राइट्स एजेंसी जो है ग्रो करती हैं इस टाइप्स की कंट्रीज़ में. उसके बाद जो है द वैल्यू ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ मॉडर्न पर्सन इन ए डेवलप्ड सोसाइटी इज़ मोर इंडिविजुअल एंड फैमिली सेंटर्ड, नॉट कम्युनिटी सेंटर्ड. तो इन इस किस्म के जो
कंट्रीज़ हैं, इनमें लोग जो है ज़्यादा अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में ही सोचते हैं, कम्युनिटी के बारे में जो है वो उनके जहन में जो है वो कम रहता है, कम्युनिटी की फिक्र जो है कम रहती है। तो ये जो था कुछ आस्पेक्ट्स थे, कल्चरल आस्पेक्ट्स। देन कस्टम्स और ट्रेडिशंस जो है काफ़ी वीक हो जाते हैं इन कंट्रीज़ में, यानी जो रीति रिवाज वगैरह होते थे, यानी जैसे हम पहले देखते थे कि आज भी गांव में ये सब होता है, लोग जो है एक दूसरे के घर से कभी कोई चीज़ ख़त्म हो जाए, फूड स्टफ एक दूसरे के घर से लेके आते हैं, क्लॉथ्स वगैरह एक्सचेंज करते हैं, हाउसिंग पैटर्न्स वगैरह, तो ये सब चीज़ें जो है, या फूड हैबिट्स जो है ये बिल्कुल बदल चुकी हैं। तो ये जो है काफ़ी कमज़ोर हो चुकी है, बल्कि बल्कि ख़त्म ही हो चुकी है आज की जो मॉडर्न सोसाइटीज़ होती हैं। हम देखते हैं कि एक हमसाए को दूसरे हमसाए के बारे में बहुत कम पता होता है, और नहीं जो है यहाँ इस किस्म की जो है वो शेयर वगैरह बिल्कुल कम करते हैं, फूड आइटम्स वगैरह, क्लॉथ्स वगैरह, ये सब चीज़ें जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं इन चीज़ों में। यहाँ जो है ज़्यादा खुदगर्जी आ जाती है, हमदर्दियाँ, भाईचारा वगैरह बिल्कुल कमज़ोर हो जाता है, और रिलीजन्स वगैरह जो है, और रिलीजन के जो बिलीवर्स हैं वो होते हैं लेकिन बहुत कम होते हैं, बिल्कुल ना के बराबर जो है रिलीजियस को मानने वाले। देन पीपल जो है ज़्यादा रेशनल हो चुके हैं और लेस सुपरस्टिशियस एंड डॉगमेटिक, यानी अंधविश्वास वगैरह जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है इन लोगों में, ज़्यादा जो है वो रेशनल हो जाते हैं, वो प्रैक्टिकल जो होते हैं लोग जो हैं ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, सुपरस्टिशंस वगैरह ये जो है इन चीज़ों पर वो कम भरोसा करते हैं। तो ये अब जो है हम इसका पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स देखते हैं। तो पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स जो मॉडर्न डेवलपिंग सोसाइटीज़ हैं, इनमें इनका जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स होता है, ये इन कंट्रीज में ज़्यादा ज़्यादा जो है डेमोक्रेसी जो है बिल्कुल आम है, यानी डेमोक्रेसी इज़ मोस्ट एक्सेप्टेबल फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम इन द डेवलपिंग एंड डेवलपिंग सोसाइटीज़। तो यह ज़्यादातर जो है यहाँ डेमोक्रेसी आम है, कुछ मुल्कों में जो है कमज़ोर डेमोक्रेसी है, जैसे म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान वगैरह में, इनमें जो है डेमोक्रेसी है लेकिन थोड़ी सी कमज़ोर है, लेकिन अक्सर जो कंट्रीज़ हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जो या जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, इनमें जो है डेमोक्रेसी जो है बिल्कुल मजबूत रहती है। यानी डेमोक्रेसी का क्या मतलब है कि हुकूमत जो है लोग जो है खुद अपनी मर्जी से अपने नुमाइंदे चुनते हैं, तो ये जो है बिल्कुल लगभग आम है हर डेवलपिंग कंट्रीज़ में। देन द काइंड ऑफ सोशल प्रोसेस वी स्टार्टेड टू एवॉल्व विद रिनॉसेंस, रिनॉसेंस वॉज नेम्ड एज मॉडर्नाइजेशन एंड डेवलपमेंट एंड द फर्स्ट एंड द मोस्ट रेडिकल फॉर्म ऑफ सोशल चेंज दैट टुक प्लेस इन द प्रोसेस वॉज डिसजंक्शन ऑफ चर्च फ्रॉम पॉलिटी एंड एस्टेब्लिशमेंट इन इट्स प्लेस ऑफ डेमोक्रेसी। तो 14th और 15th सेंचुरी के बाद जब ये आर्ट और ये जो एजुकेशन है ये जब बिल्कुल आम हो गई, तो उसके बाद जो है उसको जो है नाम दिया गया मॉडर्नाइजेशन एंड डेवलपमेंट, उसको नाम दिया गया। और उससे पहले क्या होता था कि जो हर कंट्री के अंदर जो है जो चर्च की हुकूमत हुआ करती थी, चर्च से ही जो है हर हुक्म लागू किया जाता था, लेकिन जब ये 14th और 15th सेंचुरी आई तो उसके बाद जो है ये जो चर्च का की जो थे वो ख़त्म हो गई, जो चर्च की जो मोनोपोली वो बिल्कुल ख़त्म हो गई, अब जो है उसके बाद जो है डेमोक्रेसी आम हो गई। तो ये जो है पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स थे कि यानी ये जो कंट्रीज़ हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, इनमें जो है डेमोक्रेसी बिल्कुल आम होती है। तो पॉलिटिकल एस्पेक्ट है कि डेमोक्रेसी का ही जो है यहाँ राज होता है। उसके बाद जो है हम देखते हैं कि ये जो डेमोक्रेसी है इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स, पॉलिटिकल डेवलपमेंट जो है जो इन कंट्रीज़ में होती है उनमें क्या क्या होनी चाहिए, जैसे नेशन एंड नेशनहुड डेवलप होता है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट इनमें क्या क्या होती है, ये जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होती हैं, एक तो नेशन और नेशनहुड जो है अपने मुल्क के लिए मोहब्बत भरती है, लिबर्टी टू एवरी सिटीजन इज़ एंश्योर्ड, उसके बाद जो है पीपल एंजॉय फ्रीडम ऑफ स्पीच, चॉइस ऑफ प्रोफेशन, प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन,
तो ये जो है बिल्कुल यहाँ किसी भी किस्म का दबाव नहीं होता है, चाहे स्पीच का मामला है, प्रोफेशन का मामला है, रिलीजन का मामला है, अपनी मर्जी से जो है बिल्कुल फुल लिबर्टी दी जाती है। स्टेट जो है सेकुलर रहती है, किसी भी किस्म का भेदभाव ऑन द बेस ऑफ केस्ट कास्ट क्रीड रिलीजन रीजन ये जो है बिल्कुल इन कंट्रीज़ में बिल्कुल नहीं रहती है, जहाँ यानी ये पॉलिटिकली डेवलपमेंट जहाँ होती है, यानी जहाँ जो पॉलिटिकली डेवलप्ड कंट्रीज़ होती हैं उसके बाद जो है वहाँ इक्वलिटी रहती है हर मुल्क में। कंट्री जो है खुद उनको जो है सिक्स गारंटी इक्वलिटी अमंग इट्स सिटीजन, तो वहाँ जो है बिल्कुल इक्वलिटी की जाती है हर हिसाब से। इक्वलिटी डज नॉट मीन अकॉर्डिंग इक्वल स्टेटस टू एवरीवन, ट्रू मीनिंग ऑफ इक्वलिटी इज टू एंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल, यानी हर एक इंसान को जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए। इक्वलिटी का ये मतलब नहीं है कि हर इंसान को जो है बिल्कुल बराबर रखा जाए, बल्कि इक्वलिटी का मतलब है कि हर इंसान को जो है बराबर अपॉर्चुनिटीज दी जाएँ। ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं। देन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर एग्जाम्पल गारंटीज इक्वल अपॉर्चुनिटी टू एवरी सिटीजन टू पार्टिसिपेट इन पोलिटिकल सोशल इकोनॉमिक एंड कल्चरल एक्टिविटीज़ इन द कंट्री। जैसे हमारे इंडिया में गारंटी यानी यहाँ जो है हर सिटीज़न को जो है पूरी आज़ादी दी गई है कि वो जो है किसी भी सिस्टम में विदाउट एनी प्रॉब्लम जो है वो पार्टिसिपेट कर सकता है, चाहे वो पॉलिटिकल का मामला है, सोशल इकोनॉमिक है, कल्चरल एक्टिविटी, कहीं भी जो है वो अपनी मर्जी से किसी भी सिस्टम में जो पार्टिसिपेट कर सकता है। उसके बाद जो है ह्यूमन राइट्स जो है ग्रो करते हैं एंड सिविल सोसाइटीज डेवलप विद सोशल डेवलपमेंट एंड मेच्योरिटी ऑफ द डेमोक्रेसी, तो ह्यूमन राइट्स जो है वायलेशन बिल्कुल ख़त्म हो जाती है इन कंट्रीज़ में। एनजीओज जो है बिल्कुल एक्टिवेट रहती हैं ताकि किसी भी किस्म के ह्यूमन राइट्स वायलेशन ना हो, तो एनजीओज भी जो है बहुत काम करते हैं ताकि, और ये जो है एनजीओज फॉर द वेलफेयर ऑफ सिटीजन जो है काम करती हैं, तो यहाँ जो है बिल्कुल एनजीओज को भी पूरा इख्तियार दिया जाता है इन कंट्रीज़ में कि वो जो है फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी जो है काम करें, और ह्यूमन राइट्स के बारे में जो है लोगों को पूरा बताया जाता है कि किसी भी इंसान के साथ या किसी भी रिलीजन की बुनियाद पर कोई या कहीं कोई ह्यूमन राइट्स वायलेशन ना हो, तो लोगों को जो है इसके बारे में बताया जाता है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो सोशल इंडिकेटर्स थी, ये हमने डिस्कस किया कि किसी भी मुल्क कोई भी मुल्क जो है सोशली डेवलप्ड है उसके लिए क्या होना चाहिए। तो ये हमने तीन पार्ट्स इसके डिस्कस किए, एक तो पॉलिटिकल आस्पेक्ट हमने देखा, देन कल्चरल आस्पेक्ट्स हमने देखा, देन सोशल आस्पेक्ट्स हमने देखा। तो ये जो है तीन आस्पेक्ट्स हैं जिनकी बुनियाद पर जो है किसी भी कंट्रीज़ को जो है देखा जाता है, उसको जो है चेक किया जाता है कि उसके अंदर जो है सोशली डेवलप्ड कंट्री है या नहीं। होप आपको जो है ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, आपको पसंद आया होगा। अगर मैंने कोशिश की है कि सोशल इंडिकेटर्स ये जो है इंडिकेटर्स ऑफ सोशल डेवलपमेंट से रिलेटेड जो कुछ भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है वो मैंने यहाँ कोशिश की है आपके साथ आपको इसमें डिस्कस करने की। तो इसमें ज़्यादातर आप ये चीज़ें याद रखना, एक तो आपको याद रखना है कि कौन कौन सी इंडिकेटर्स हैं, उसके बाद जो है वहाँ पूछा जा सकता है कि ये जो नीचे इन सोशल आस्पेक्ट्स में जो जो चीज़ें आती हैं इनमें से दो तीन या चार चीज़ें पूछी जा सकती हैं, और इसमें ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये सोशल आस्पेक्ट है या कल्चरल आस्पेक्ट है या पॉलिटिकल आस्पेक्ट है। तो ये चीज़ें आपको जो है पता होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ जो है सोशल आस्पेक्ट में आती है, कौन सी चीज़ कल्चरल आस्पेक्ट में आती है, और कौन कौन सी चीज़ें जो है पॉलिटिकल आस्पेक्ट्स में आती हैं। इस टाइप के क्वेश्चन जो है इसमें बन सकते हैं। होप आपको जो है लेक्चर पसंद आया होगा, आपको प्लीज़ इसमें कमेंट कीजिए आपको ये लेक्चर कैसा लगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, थैंक्स।